स्माइल फाउंडेशन के थ्रू है, इसमें 150 बच्चे हम लोग देख चुके हैं। 10 बजे से 3 बज चुका है, बहुत गर्मी है। कोशिश की जा रही है, ये चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं होता है, दवाइयाँ यहाँ बच रही हैं। कुछ दवाइयाँ जो है एनजीओ ने दी है, कुछ दवाइयाँ हाँ जी बच्चे यहाँ लग रहा है। और वैसे तो भाई टोटल भाई वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम भाई, 10 बजे से 11 बजे से 4 बजे तक कैंप था, 4 बजने जा रहा है, बंद कर देना पर्चा है। 4 बजे तक जो लिखा नहीं तो जो देर से आए हैं, जो दूर से आएगा उनको देख सकते हैं, ठीक है ना। क्या हुआ तो ये दवाइयाँ हम लोगों ने कुछ एनजीओ के थ्रू इकट्ठा किए हैं, भाई दवाइयाँ फ्री दी जा रही हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोग कल जो मेडिकल कैंप मुजफ्फरपुर में 300 से ज्यादा बच्चे मर गए हैं, चाहे वो चमकी बीमारी की बात हो, चाहे वो किसी बीमारी की इंसेफ्लाइटिस की बात हो, लक्षण सेम है। मुझे तो लगता है जहां तक कि बीमारी से ज्यादा सरकारी अव्यवस्था के वजह से बच्चे मर रहे हैं। डॉक्टर्स नहीं है, नर्सेस नहीं है, दवाइयां नहीं है, एक एक बेड पे दो दो तीन तीन लोगों को बच्चों को लटा के इलाज किया जा रहा है, कुछ बच्चों को जमीन पे लटा के इलाज कराया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, एक बड़े से हॉल में कुछ पंखों के बल पे 200-300 लोगों को बंद किया गया है। ऐसा साइज जानवरों के साथ भी बर्ताव नहीं होता है। सरकारें अभी तक सोई, किसी एक सरकार की बात नहीं करूंगा, सरकारें अभी तक